तो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 9 के सभी छात्र ध्यान दें। देखिए जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ के लिए, रात के यहाँ पे 1:10 हो चुके हैं। और छात्रों देखिए रात में ही ये पेपर जो है अभी अभी सभी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो देखिए रात के रात में इसको लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए। और ये जो है आपको सुबह देखिए 9:30 एग्जैक्टली सभी एग्जाम सेंटर में आपको यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। सो छात्रों आप सभी की लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हम सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाएंगे, जिसके कारण मुझे ये पेपर लाना पड़ गया। देखिए छात्रों संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो इस बात पर अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए छात्रों समय बहुत कम है, जिसके कारण देखिए मैं पूरा पेपर आपको दिखा दे रहा हूं, और साथ में इसका जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के रूप में मैंने बना लिया है, तो वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। देखिए यहां पे मैं संपूर्ण वीडियो नहीं बना सकता बहुत बड़ी, क्योंकि यहां पे टाइम बहुत कम है, इसलिए संपूर्ण पेपर जल्दी से आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे सही विकल्प आपके लिए दिया गया है, जो कि सही विकल्प के रूप में आपसे पूछा गया है। लगभग यहाँ पे 6 सही विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका गा नंबर वाला हो जाएगा, रोबेस्पियर। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति भी यहाँ पे 1917 में हुई थी। मैन कैप्स के रचयिता पूछे गए हैं, तो मैन कैप्स के जो रचयिता हैं वो देखिए एडोल्फ हिटलर हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए यूनियन टेरिटरी जो होती है ना वो है आपका सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो भारत में देखिए कुल यहाँ पे 2 द्वीप हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे छठवां वाला, जो कि है आपका रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था, तो देखिए 2017 में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। इसके बाद छात्रों आप यहां से देखिएगा रिक्त स्थान, ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए रिक्त स्थान। तो चलिए मैं आपको रिक्त स्थान के आंसर जो है वो दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखिए रिक्त स्थान के उत्तर आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए और इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, रिक्त स्थान के उत्तर है। तो देखिए छात्रों जो है ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, जिसमें कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद देखिएगा आपसे आगे जो है यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए आप एक वाक्य एक शब्द में उत्तर यहाँ पर। तो छात्रों यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं आपको गूगल पे दे देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है यूट्यूब पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पीडीएफ देने की, तो मैं आपको गूगल पे दे देता हूँ। ठीक है, इस पेपर का सॉल्यूशन और जो है यहाँ पे इस पेपर का पीडीएफ, तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही सर्च करेंगे studynotespije.com देखिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पे एमपी बोर्ड देखना है। ठीक है, एमपी बोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कक्षा 9वीं आपको देखना है। जैसे आपको कक्षा 9वीं देखेगा यहाँ पे आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान आपको देखना है, तो सामाजिक विज्ञान का सेट ए पे हमें क्लिक कर देना होगा। जैसे हम सेट ए पे क्लिक करेंगे तो देखिए छात्रों ये पूरा जो पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे डला हुआ है। साथ में छात्रों जो सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको दिखा रहा था ना, वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नीचे आकर के आपको किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, टाइमर समाप्त होने से पहले किसी भी एक पोस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ये टाइमर समाप्त होगा तो एक हरे कलर का आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, तो छात्रों यहाँ पे मैं एक बार एक पोस्टर पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस पोस्टर पर मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो ये टाइमर अब समाप्त होगा, तो हरे कलर का डाउनलोड का बटन आएगा, तो यहाँ पे देखिए हरे कलर का डाउनलोड का बटन आ चुका है। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, जीमेल चूज करने के बाद देखिए ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये वही सॉल्यूशन है जो मैं आपको दिखा रहा था, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो छात्र जल्दी से संपूर्ण पेपर एक बार आप देख लीजिए पूरा ओवरव्यू के रूप में, और आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न क्रमांक 4 आपसे सही जोड़ियों के रूप में पूछा जाएगा, प्रश्न क्रमांक 5 में सतासत रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों दिया गया है द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताना है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था, संविधान क्या है, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखनी थी, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाले कौन से राष्ट्र थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा छात्रों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसकी याद में कौन राष्ट्र पर्व मनाते हैं, उत्पादन के साधनों से क्या आशा है, जैकोबिन्स कौन थे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं, हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी, बागर और खादर में अंतर, लोकतंत्र का क्या अर्थ है स्पष्ट करना है, भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी देनी थी, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति से क्या परिणाम हुए बताना था, हिमाचल
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन आपको बताना था। तो छात्रों को इस प्रकार सभी 23 प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन डाउनलोड करना मैंने आपको बता ही दिया है, पेपर डाउनलोड करना भी बता दिया है। तो जल्दी से पेपर डाउनलोड करिए और यहाँ पे सुबह 9:30 बजे गर्दा मचा दीजिए। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको देख करके जाना है। बाकी सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू रखना है, ठीक है।